घंटे का आंकड़ा 38,055 के पास पहुंच चुका है। ये नए केसेस की संख्या है और यूपी में 24 घंटे में 223 मौतें हो चुकी हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,461 केस सामने आ चुके हैं, 42 मौतें लखनऊ में, प्रयागराज में 15, कानपुर में अगर देखें तो ये मौतों का आंकड़ा 13 के पास पहुंच चुका है, वाराणसी में 10, गोरखपुर में 2 मौतें हुई हैं, वाराणसी में 2,786 केस सामने आए हैं, कानपुर में 2,044 केस और मेरठ में 1,745 केस सामने आ चुके हैं। प्रयागराज का ये आंकड़ा 1,468 केसेस का है, गोरखपुर में 1,344 केस, मुरादाबाद में 1,351 केस सामने आए। तो लगातार यूपी के हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, आंकड़े लगातार रफ्तार पकड़ते हुए, और इस वक्त यूपी का आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे 40,000 के पास पहुंच रहा है। ये स्थिति इस वक्त यूपी में काफी खराब, ऑक्सीजन की काफी कमी, और इस कमी को दूर करने के लिए ही लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से जारी। स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति इस वक्त बनती जा रही है। यूपी का 24 घंटे का आंकड़ा यकीनन डराने वाला है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और लखनऊ का आंकड़ा तो इस वक्त सबसे ज्यादा हाई इस वक्त चल रहा है, जहां पर 5,000 से ज्यादा केस सिर्फ 24 घंटे में। संजय हमारे साथ से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये मौतों के आंकड़े, ये बढ़ते आंकड़े क्या दिखा रहे हैं, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, आप कौन सा ऐसा ठोस कदम है जो इस स्थिति को कंट्रोल कर सकता है फिलहाल? बिल्कुल, जो कोरोना है वो अपनी पूरी स्पीड से दौड़ रहा है और जिस तरीके के आज आंकड़े आए हैं वो एकदम डराने वाले और चौंकाने वाले हैं। यूपी के 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो 38,055 केस है और लखनऊ उसमें इकलौता सबसे ज्यादा टॉप पर बना हुआ है, 5,461 केसेस के साथ 42 डेथ दिखाई जा रही है जो कि सरकारी आंकड़े हैं। अगर यूपी की बात करें तो 223 के रिकॉर्ड जो डेथ है वो दर्ज हुई है सरकारी आंकड़ों में, तो कहीं ना कहीं ये जो डेथ है वो डरा रही है और आंकड़े अपने आप में डरा रहे हैं, क्योंकि जैसे बताया गया था कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि 21 के बाद ये पीक पे बढ़ता जाएगा कोरोना, वो ऐसी उसकी स्पीड और तेज होती जा रही है, चाहे प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, बनारस हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो अभूतपूर्व परिवर्तन का संख्या में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पीड और तेज हुई है। अब कैजुअलिटियां और बढ़ेंगी, लोगों को परेशानियां और बढ़ेंगी और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि सरकार के जो भी प्रयास हैं, जो भी काम चल रहे हैं रिकवर करने के या फिर इलाज के लिए, वो अपर्याप्त है। उससे अभी तक लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, कितने लोग तड़पते देखे गए, कितने लोग रो रहे हैं। देखिए 60,000 लीटर जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो यूपी में आ रही है, लखनऊ आई भी, दो टैंकर आ भी चुके हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन से ये राहत लोगों को कहीं ना कहीं मिल सकती है कि यहाँ पर वो दिक्कत नहीं होगी जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं लगातार ऑक्सीजन की? ऊंट के मुंह में जीरा की एक कहावत थी, उसी के हिसाब से ये जो 69,000 लिक्विड जो है मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मंगाई गई है वो पूरे प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरे की तरीके है, इससे कहीं कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जब तक जो जो कमर्शियल संस्थान है उनको 80% जो ऑक्सीजन दे रही है सरकार, उसे भी खत्म करके समाप्ति करके और 100% केवल लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल। और अगली बड़ी खबर औरैया से है।